तो देखो एक्सरसाइज 13.9 का क्वेश्चन नंबर हम लोग एक देखेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है कि एक लकड़ी के बुक सेल्फ, मतलब बुक रखने वाला तुम लोग देखा होगा, किताब रखने के लिए जो बनता है वो बना हुआ है। देखो तीन खल में बना हुआ है, ये तीन अलग अलग भागों में बना हुआ है और इसकी सब चीज पता है हम लोगों को। ऊंचाई पता है 110 सेंटीमीटर, ये देख सकते हो। इसकी चौड़ाई जो है 85 सेंटीमीटर और ये गहराई मतलब डीप कितना है, अंदर तक कितना है, तो 25 सेंटीमीटर। कितना है? 25 सेंटीमीटर डीप है। अब इसमें क्या करना है, जब ये बनाया गया, कोई शर्मा जी बनाए होंगे लकड़ी का, तो इसमें पेंट किए होंगे, तो दो चीज किया जा रहा है इसमें, बाहर से पॉलिश चढ़ा दिया, अंदर में क्या कर दिया, पेंट कर दिया। तो देखो इसमें क्या है कि प्रत्येक स्थान पर तख्तों की मोटाई, जो तख्ता है देखो ध्यान समझना, ये तख्ता की जो मोटाई है वह कितना है, 5 सेंटीमीटर। कितना है? यहां भी 5, ये 5 है, सब तख्ता की जितनी चौड़ाई है ना, यानी कि मोटाई तख्ता की, वह है 5 सेंटीमीटर। इस चीज को समझ लेना बात, ये जो है यह है 5 सेंटीमीटर तख्ते की मोटाई। इसके बाहरी फलकों पर पॉलिश करना है, इसके बाहर वाला जो सतह है उस पर क्या करना है, पॉलिश चढ़ा देना है, पॉलिश, ठीक है, पॉलिश चढ़ाना है। उसके बाद क्या करना है, आंतरिक फलकों पर अंदर से जो दिख रहा है तुमको हिस्सा, उस पे क्या कर देना है, पेंट कर देना है। कुछ पैसा लगता है पॉलिश में भी और पेंट में भी, वह पैसा क्या है, देखो 20 पैसा लगता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम पॉलिश मार देंगे तो क्या पैसा लगेगा, 20 पैसा, जबकि हम अंदर पेंट कर रहे थे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर तो लग रहा था कितना, 10 पैसा लग रहा था। तो बताइए इसमें टोटल कितना खर्चा बैठ गया, इसमें बोला ना इस बुक सेल्फ पर पॉलिश और पेंट करने पर कुल कितना रुपया खर्च हो गया। तो इस चीज को समझने के लिए हम एक मॉडल तैयार किए हैं, उस मॉडल के जरिए तुम लोग बहुत आसानी से समझ सकते हो। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करना था कि बाहरी भाग पर क्या करना था, पॉलिश करना था। तो तुम इसमें देखोगे बाहरी भाग तुम लोग को क्या क्या दिख रहा है, मेरे हिसाब से ये हिस्सा दिख रहा है, ये हिस्सा दिख रहा है, ये हिस्सा दिख रहा है, ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, इतना तो दिख रहा है। और जब सामने से देख रहे तो ये कोर दिख रहा है, दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है क्या। तो बाहरी भाग में तो ये 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 भी भाग, ये भी भाग, ये भी भाग, ये भी भाग और ये भी भाग आ जाएगा। समझ में आ रहा है बात? तो इतना तो हम लोग जान रहे हैं कि एक देखने में जो है घनाभ के आकार का है, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात करें तो उससे हम बैठा सकते हैं। तो वक्र पृष्ठीय का बात करते तो बोलते चारों दीवार का क्षेत्रफल, ध्यान समझना, चारों दीवार का क्षेत्रफल प्लस ये, इसमें ये भी ना लगा हुआ है, इसका भी क्षेत्रफल ऐड होगा। साथ ही साथ एक और चीज ऐड होगा, सामने से फ्रंट देखने पर ये सब कोण दिख रहा है। समझ आ रहा है? एक कॉमन सेंस लगाना, सबसे पहले जो गिवेन है वो लिख लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। तो ये जो है 110 है, ये जो है 110 सेंटीमीटर है, ये 25 सेंटीमीटर और ये 85 सेंटीमीटर है। तो चलो लिख लेते हैं हम लोग, है क्या चीज, ये लकड़ी का बना हुआ बुक सेल्फ, बुक सेल्फ की लंबाई जिसको एल से डिनोट करेंगे, लेंथ कितना है 110 सेंटीमीटर, लंबाई चौड़ाई यानी कि ब्रेथ जो है वह है 85 सेंटीमीटर और ऊंचाई यानी कि गहराई जिसको कह सकते हैं, गहराई कितना अंदर तक है, वह गहराई कितना है 25 सेंटीमीटर। चलो अब फॉर्मूला हम कैसे बैठाएंगे, हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना है, बाहरी बाहरी भाग पे पेंट करना है। तो पेंट किए गए भाग का क्षेत्रफल, बाहर पेंट सही करना है, पॉलिश ना करना है। तो चलो लिख देते हैं बाहरी फलकों पर, इसलिए बुक सेल्फ के बाहरी फलकों पर पॉलिश किए गए भाग का क्षेत्रफल, किए गए भाग का
क्षेत्रफल। अब देखो फॉर्मूला कैसे बनेगा, चलो हम इस मॉडल को उठाते हैं, इसी से करते हैं। ध्यान से जब इसको देखोगे तो इस मॉडल में तुम लोगों को दिखेगा एक चीज, क्या ये दिख रहा है मेरा लंबाई या मेरा दिख रहा है चौड़ाई। तो लंबाई चौड़ाई क्या जगह एक ही जगह दिख रहा है, ध्यान समझना। तो क्या आना है, लंबाई गुने चौड़ाई आना है, ठीक है। चलो हम वैल्यू ही पुट करते डायरेक्ट, लंबाई गुने चौड़ाई, ध्यान समझना। लंबाई ये है मेरा लंबाई और गुने चौड़ाई, तो लंबाई कितना है मेरा 110 गुने चौड़ाई कितना है 85, ठीक है यहाँ तक। अब देखो इधर से ध्यान से देखो, ये क्या दिख रहा है तुम्हारा, ये गहराई यानी कि ऊंचाई, ऐसे कर दिए तो ऊंचा हो गया। गहराई, गहराई गुने लंबाई, गहराई गुने लंबाई या लंबाई गुने गहराई, तो लंबाई जोड़ लंबाई और गुने गहराई कितना है 25। तो ऐसा ऐसा कै को भाग आएगा, इधर भी आएगा इधर भी आएगा, कै को भाग आएगा दो को भाग, तो गुने दो। समझ आ रहा बात, यही समझा। प्लस एकदम क्लियर दिखेगा, देखो ध्यान से, ये ऐसा हिस्सा देखो, इस हिस्सा को देखेंगे तो गहराई और गुने चौड़ाई कै को दिखेगा ऐसा हिस्सा, तो गहराई, तो गहराई मतलब कितना 25 और चौड़ाई मतलब कितना 85 और गुने दो। क्यों गुने दो, क्योंकि ऐसा ऐसा हिस्सा दो जगह दिख रहा है, समझ में आ रहा बात। तो हम लोग इसको 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 और इसको मेजर कर चुके हैं। अब सामने से जब देखेंगे तो ध्यान से देना, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, ये कितना लंबा है 85, इसका चौड़ाई कितना है 5, समझ आ रहा बात। ऐसे ऐसे कै को भाग दिखेगा, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, एक भाग दो भाग तीन भाग चार भाग, चार भाग दिखेगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान समझना, ये इतने भाग तक ना है, यानी 5 सेंटीमीटर इधर और 5 सेंटीमीटर इधर, घट जाएगा ना इधर, ध्यान समझना। ये टोटल कितना था 85, तो 85 में से 5 जी गया तो 80, 80 में से फिर 5 चल गया तो 75, मतलब तो ये 75 हो गया। तो 75 गुने 5 कै गो, 1 2 3 4 गो, तो चलो जोड़ 4 गुने, क्यों 4 गुने, 1 2 3 4, तो लंबाई कितना है इसके लिए 70, एक मिनट 70 नहीं तो 75 ना, हाँ 75, कैसे 75, तो 85 में से 5 गया 80 इधर भी चल गया 5, क्योंकि इसकी मोटाई दे दिया है, कितना हो गया 75, 4 गुने 75 गुने 5, समझ में आ गया। यानी कि 1 का क्षेत्रफल निकाल के 4 से गुना, क्यों 1 2 3 4, 4 ऐसा सा था, 4 तख्ता था लकड़ी का, ठीक है, इसलिए 4 से गुना 75 गुने 5, समझ में आ रहा है था। ये लेंथ देखो तो 110 गुने 5, क्या पीस है इधर, 2 पीस है, तो क्या लिखाएगा 2 गुने 110 गुने 5, क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब गुना करो इसको, 85 गुने 110 कितना दे देगा, चलो करते हैं गुना, 85 को 110 से गुना करना है तो आ जाएगा ये 5 9 5 8 5 8 5 13 9 350, जोड़ 110 गुने 25 यानी कि छोड़ो ना, हाँ या 25 गुना 50, 50 को 110 से गुना करेंगे तो 5500 आ जाएगा, क्या है देखो ना, 25 गुना 50, 50 को गुना करना है कितना से 110 से, 2 0 11 55। अब देखो इन दोनों को गुना करना, 85 गुने 25, तो छोड़ो यहाँ देखो 50 25 गुना 50, 50 गुने 85, तो 85 गुने 50 करना है, यानी 5 से गुना करना है, 25 के 5 हाथ में रहा, 2 5 होगा 20 2 42, न रे 5 होगा 20 और यहाँ से 1 0 जोड़। अब आ जाएंगे यहाँ पे, 4 को 5 से गुना किए तो 20, और 20 को 75 से करेंगे तो 150 यानी कि 1500,
अब इसको इससे करेंगे तो 10, और 10 को 11 से गुना करेंगे तो यहाँ पर एगो जीरो हो गया 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सबको जोड़ दो, कितना आ जाएगा जोड़ने पे? देखो जीरो हो गया ना, जीरो। अब देखो जीरो जीरो पांच, पांच पांच दस के जीरो हाथ में रहा, एक दो दो आ पांच सात, आ सात आ दो नौ, आ नौ आ पांच चौदह, आ चौदह आ तीन सत्रह, हाथ में रहा एक, दस पांच पंद्रह, पंद्रह चार उन्नीस, उन्नीस एक बीस, बीस एक इक्कीस सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये निकल के आ गया क्या चीज, किसका एरिया? बाहर भाग का एरिया। अब देखो बाहरी में क्या लग रहा था, 20 पैसा लग रहा था एक सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो लिख देते हैं क्या चीज, चूंकि एक सेंटीमीटर स्क्वायर पॉलिश पर खर्च कितना है, 20 पैसा है, हाँ, इसलिए पॉलिश पर क्या खर्च बैठ जाएगा, 20 गुने इतना, बट्टा में पैसा हटाने के लिए रुपया बदलने के लिए बट्टा में 100 देती है। ठीक है, दो जीरो से तो जीरो कैंसिल, सात दुनी 14, दो एकम दो एक तीन, दो दुनी चार, एगो जीरो, यानी कि 4340 रुपया लगेगा किसमें, बाहरी भाग को पॉलिश करने में। अंदर वाला भाग में थोड़ा ध्यान से देखते हैं हम लोग, देखो ध्यान से समझना कितना आसान लगेगा। अंदर भाग का एक खोली अगर देखेंगे तो इसमें भी पांच सतह दिखेगा, एक सतह यह, दूसरा सतह, तीसरा सतह, चौथा सतह, पांचवा सतह, दिख रहा है ना। एक का क्षेत्रफल निकाल के तीन से गुना कर देंगे बात बन जाएगा। अब एक का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ये देखो टोटल लेंथ कितना था, 110, 110 में से ये पांच गया, फिर ये पांच गया, ये पांच गया, ये पांच गया, समझ रहा बात ना, ठीक है, तो 90 हो जाएगा। तो एक खोली का, एक खोली का हाइट कितना हो जाएगा, 30 नहीं हो जाएगा, 30 30 60 30 90, समझ रहा बात कि नहीं। चलो पहले करते हैं, ये लिख देते हैं, हाँ तो लिखते हैं बुक सेल्फ की एक खोली का ऊंचाई, एक खोली का ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, देखो ना 110 माइनस, ध्यान समझना, 110 माइनस पांच 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 क्या हुआ, चार गुने पांच ना, तो माइनस चार गुने पांच बट्टा में तीन, क्यों तीन, क्योंकि तीन खाना था, तीन खोली था ना, तो बट्टा में तीन, एक का निकालना था सेंटीमीटर। तो देखो 110 में से पांच होगा 20 जाएगा, तो 90 बट्टा 3 सेंटीमीटर, यानी कि 30 सेंटीमीटर। क्लियर है यहां तक? अब चलो इसको देख लेते हैं हम लोग। अब देखो इस खोली का चौड़ाई क्या हो जाएगा, तो ये टोटल कितना था, 85 में से 5 और 5 घट जाएगा, हाँ 5 और 5 घट जाएगा, यानी कि 85 में से 10 चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 75, समझ रहे बात ना, तो 75 कितना हो जाएगा, चलो लिख देते हैं, तो चौड़ाई क्या हो जाएगा, 75 सेंटीमीटर चौड़ाई लिख सकते हैं हम लोग, क्या से जैसे 85 माइनस दो गुने पांच सेंटीमीटर, यानी कि 75 सेंटीमीटर। ठीक है सर, चलो ध्यान से देखो, अगर यहां से यहां तक कितना था डीप, कितना था गहरा, कितना था पहले
25 था ना, 25 में से 5 जाएगा तो 20 ना बचेगा, ये हिस्सा 20 से ना होगा, समझ रहा बात ना। तो गहराई कितना हो जाएगा, ठीक है तक। खोली क्या को बना इसमें, ध्यान से देखो इसमें क्या को खोली बना है, एक खोली, दो खोली, तीन खोली, तीन खोली बना है ना, एक खोली का निकाल के तीन से कर देंगे गुना। तो निकालना हम लोगों को क्या था, देखो पेंट किए गए भाग ना, तो पेंट किए गए भाग, इसलिए क्या चीज है, बुक सेल्फ, में पेंट किए गए भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो क्षेत्रफल बराबर क्या, ध्यान समझना, इसमें अगर इसको ढक देते तो बन जाता घन, उसमें से एक को क्या नहीं था, इसका लंबाई गुने चौड़ाई नहीं था, इसमें जो दिख रहा वही ना लिखेंगे, तो ध्यान से देखना, ये मतलब कितना, ये मतलब कितना रे, देखो ये मतलब कितना, 75, ठीक है 75 आगुने, ये मतलब कितना 30, चलो ठीक है यहाँ तक समझ रहा बात, जोर, ये मतलब कितना 20, ठीक है गुने, ये मतलब कितना 30, अच्छा बात है, ऐसे ऐसा क्या को भाग, ऐसा ऐसा दो को भाग, तो चलो गुने दो कर दी, कोई दिक्कत, तो ये हिस्सा खत्म, बच गया ये और ये हिस्सा, समझ रहे ना, तो देखो ये हिस्सा में क्या, ये मतलब कितना 75, ठीक है एकदम सही है गुने, और डीप मतलब कितना 20, ऐसे चल क्या को भाग ऊपर नीचे मिला के दूसरे गुना, अब देखो ऐसा ऐसा क्या को खंड, तीन को खंड, तो तीन से कर देंगे गुना, जो आएगा उसमें डायरेक्ट तीन से हम लोग कर देंगे गुना, सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर स्क्वायर, तीन 75 गुने तीन क्या जाएगा, 5 × 3 = 15 के 5, हाथ में रहा 1, 7 × 21 = 22, जोड़ 600 गुने 2 1200, 75 गुना 150 यानी कि 1500, 1500 गुने 2 3000, और यहां से सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, जोड़ो तो 0 ही आएगा, 5 ही आएगा, ठीक है 0, 2, 2, 4, 2, 3, 3, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब इसमें गुना करेंगे कितना से, 3 से, तो ये जो 0, 5 × 3 = 15 के 5, हाथ में रहा 1, 4 × 3 = 12 = 13, 13 हाथ में रहा 1, 6 × 3 = 18 = 19, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, तो निकल क्या क्या चीज, अंदर वाला भाग का, ठीक है अब देखो खर्चा क्या बैठता है, चूंकि 1 cm² पेंट करना है ना, पेंट पर खर्च जो है वो कितना है, 10 पैसा, इसलिए कितना है 19,350 cm² पर पेंट करने पर क्या आ जाएगा, 10 × 19,350 रुपया बदलने के लिए बटना में डाले 100, बन गया रुपया, जीरो से जीरो कैंसिल, और ये जीरो से जीरो कैंसिल, यानी कि 1935 रुपया कुल खर्च क्या हो जाएगा, तो दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, देखो ना बोल रहा है कि इस बुक सेल्फ पर पॉलिश और पेंट करने का कुल व्यय, तो लिख देते हैं, इसलिए जगह का कमी है इसलिए लिख रहे कुल व्यय, तो कुल व्यय बराबर कितना कितना लगा था, ये ना 4340 रुपया, जोड़ 1935 रुपया, जोड़ देंगे ये 5 + 4 = 3, 7 + 9 = 3,
12 6 यानी कि 6275 रुपया लगेगा। और यह बुक रखने वाला जो स्टैंड था, या बुक रखने वाला जो स्टैंड था, उसमें पेंट हो जाएगा। तो समझ में आ गया, चलो नोट कर लो।